कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, किसके हाथ में होगी कांग्रेस की कमान, 2024 में मोदी के खिलाफ कौन बनाएगा रणनीति, ऐसे तमाम सवाल है जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में चल रहा है। लेकिन जल्द ही इस पर से सस्पेंस खत्म हो सकता है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। 2 सालों से राहुल गांधी को मनाने की कवायद चल रही थी, लेकिन बावजूद राहुल मोदी को देखते हुए दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में अब कांग्रेस गांधी परिवार से अलग किसी को अध्यक्ष बनाने जा रही है। कांग्रेस में आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल 2 नाम सबसे आगे हैं, इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि अध्यक्ष के लिए कौन कौन अपना दावा ठोकेगा और कौन इसमें जीत दर्ज करेगा। फिलहाल अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की बात करें तो अभी रेस में 2 ही नाम आगे हैं। पहला नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वहीं अशोक का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। वो कह भी चुके हैं कि पार्टी आलाकमान उन्हें जो जिम्मेदारी देगा वो उसका निर्वहन करेंगे। वहीं दूसरे उम्मीदवार के रूप में शशि थरूर का नाम आगे चल रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इन सब के बीच अब चर्चा है कि मनीष तिवारी भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भर सकते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं इसके अलावा कई और भी हैं जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाला केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण इस मतदान की देखरेख करेगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर रखी गई है। वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जबकि चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में लड़ाई गहलोत और थरूर के बीच कांटे की है। थरूर ग्रुप 21 के सदस्य भी हैं, लिहाजा उनको वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिला है, जबकि गहलोत के सर पर गांधी परिवार का हाथ है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।